हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो देखिए, आज का अपना आरआरबी सिकंदराबाद स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन 2015 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन देखते हैं द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनेंशियोमर्स इज, इनेंशियोमर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। ओनली दैट दे आर केमिकली आइडेंटिकल है, सेकेंड वन है ओनली दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है, या फिर बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो देखिए, इनेंशियोमर्स का मीनिंग क्या है, ओनली दैट दे आर केमिकली आइडेंटिकल, ओनली दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो बोथ ए एंड बी दोनों आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट है, या फिर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रिपीटेड यूरिनेशन वाइल स्लीपिंग इवन आफ्टर 5 ईयर ऑफ एज इज कॉल्ड, 5 ईयर के बाद में भी अगर यूरिन पास आउट करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एन्यूरेसिस बोलते हैं, ठीक है। एनकोप्रेसिस का बोलते हैं जब स्टूल पास आउट करता है तब बोलते हैं, ठीक है। 5 ईयर के बाद में अगर बेड में ही बच्चा स्टूल पास आउट करता है तो एनकोप्रेसिस, अगर यूरिन पास आउट करता है एन्यूरेसिस, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड, ये है अपना रीजनिंग का क्वेश्चन। तो देख लीजिए इनके अंदर क्या है, 253 का कोड क्या है, बुक्स आर ओल्ड, ठीक है। 456 मीन्स क्या है, मैन इज ओल्ड, ठीक है। 378 बाई गुड बुक्स, ठीक है। व्हाट स्टैंड फॉर द आर, इसमें आर का पूछा है, ठीक है। देखिए 253 का बुक्स आर ओल्ड है 253 का, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो ये है स्टेटमेंट है, मैन इज ओल्ड, इनमें देखिए ओल्ड है वो सेम है, और इनके अंदर जो नंबर सेम है वो है 3, दोनों में क्या है सेम क्या है, 253 और नहीं 5 है, ठीक है। तो ओल्ड का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में। और थर्ड में क्या है, 378 का कोड क्या है, बाई गुड बुक्स। तो देखिए बाई गुड बुक्स का क्या है, 378 है, तो इसके अंदर फर्स्ट और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनमें क्या है, बुक्स सेम है, इसमें बुक्स और इनमें बुक्स है, तो इसका कोड देखिए, इसका इसमें ये सेम नंबर क्या है, 3 है, तो 3 किसका हो गया, बुक्स का हो गया, और ये 5 किसका था, ओल्ड का था इनमें, तो इनमें क्या बच गया, 2 कवर हो गया, तो इनमें क्या बच गया, आर बच गया, आर का कवर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो आर का कोड क्या है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था रीजनिंग का क्वेश्चन, ऐसे आते हैं आरआरबी में रीजनिंग के क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ, जो देखिए एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कौन सी प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है, ब्लड फ्लो में है, या फिर मैच्यूरेशन में है, या फिर रिप्रोडक्शन में, या फिर ब्रीदिंग में, तो आंसर क्या जाएगा, ब्रीदिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड इन भोपाल इज रिटन एज डबल ई आर एम डी आई, ठीक है, देन हाउ विल पाउडर बी रिटन इन द सेम कोड। देखिए इसके अंदर कैसे लिखा हुआ है, भोपाल और डबल ई आर एम डी आई का जो रिलेशन है ना, उसी तरह से पाउडर का इनमें से किसी एक के साथ रिलेशन बैठाना, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए इसका आंसर है ए, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ द मेनस्ट्रुअल साइकिल इन वुमन इज कॉल्ड, ठीक है, परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ द मेनस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाएगा, मेनोपॉज, ठीक है। मेनार्की क्या है, फर्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल पीरियड है। एमिनोरिया क्या है, एब्सेंस ऑफ द मेनस्ट्रुएशन है। डिसमेनोरिया क्या है, पेनफुल मेनस्ट्रुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन द वाटर, कौन सा विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन डी है। तो देखिए विटामिन बी और सी हैं, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं सारे, B1 है, B2 है, B3 जो भी हैं वो सारे क्या हैं, और ए वे एक विटामिन सी, ये क्या हैं, सारे के सारे वाटर सोल्यूबल है, बाकी सब A, D, E, K सारे क्या हैं, फैट सोल्यूबल है, तो आंसर जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, देन सी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द ए। तो देखिए ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो देख लेना इसका आंसर सी जाएगा, ईस्ट, ठीक है, ये रीजनिंग का। 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय द, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, या फिर सर सैयद अहमद खान, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना है, या फिर मौला मोहम्मद अली है, तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द मेटास्टेसिस इन लंग कैंसर, लंग कैंसर में मेटास्टेसिस की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो क्या जाएगी, लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 45 मिनट एज ए फ्रिक्शन ऑफ ए डे, फ्रिक्शन में कैसे लिखते हैं 45 मिनट को, 1/32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आर द चांसेस ऑफ एक्यूट एंडोमेट्राइटिस डेवलपिंग इन ए वुमन,
देखिए कब एंडोमेट्राइटिस यानी एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस का इन्फ्लामेशन, यूट्रस की एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन के चांसेस कब बढ़ जाते हैं, आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनार्की या फिर आफ्टर अबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ या फिर इन चाइल्ड, तो आफ्टर अबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको एनालिटिकल थ्योरी वार डेवलप्ड बाई, साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने या फिर जेकोबसन ने या फिर फ्रैंकलिन ने या फिर एरिस्टोटल ने, तो आंसर क्या है, सिगमंड फ्राइड ने दी थी। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूज फॉर द कोल्ड स्पंजिंग, देखिए कोल्ड स्पंजिंग के लिए वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 70 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ द 30 meters पर सेकेंड क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 600 meters लॉन्ग इन 30 seconds, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, आंसर इसका 300 meters। ठीक है, ये अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन यूरिन, यूरिन में कौन क्या फाउंड नहीं होता, ओनली ग्लूकोज, ओनली प्रोटीन है या फिर ओनली रेड ब्लड सेल्स है या फिर ऑल ऑफ द, मतलब कुछ भी नहीं होता, ऑल ऑफ द आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिज फ्रिक्शन इज द लार्जेस्ट है, 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है, फिर 4/5 है, तो 7/8 क्या है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, सी आंसर इसका। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, हेलुसिनेशन इज कॉज्ड बाय, हेलुसिनेशन किसकी वजह से देखने को मिलता है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या फिर मेंटल इलनेस है या फिर डिसऑर्डर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या फिर इन्फेक्टिव डिजीज है, तो मेंटल इलनेस की वजह से हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेंटली जो इल होते हैं ना उनमें हेलुसिनेशन वगैरह देखने को मिलता है, विच आर्टरी सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक, स्टमक को कौन सी आर्टरी है जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करवाता है, कैरोटिड आर्टरी है, गैस्ट्रिक आर्टरी है, फिर सीलिया आर्टरी है, फिर सिफेलिक आर्टरी है, तो आंसर क्या जाएगा, सीलिया आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 words आर गिवन बिलो, 4 ऑफ देम आर द सिमिलर, चूज द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर टू द रिमेनिंग वर्ड्स, ठीक है, इनके इनके अंदर जो ये वर्ड्स हैं इनमें से एक डिफरेंट है बाकी सब सेम हैं। ठीक है, सिमिलर हैं तो कौन सा सिमिलर नहीं है, पेपर है, वूल है, वुड है, प्लास्टिक है, फिर लेदर है, तो इसके अंदर क्या है, प्लास्टिक है, ये सेम नहीं है, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिलेक्ट द लेटर सीरीज विच फॉलो द रूल नंबर ऑफ द लेटर स्किप्ड इन द रिवर्स ऑर्डर इन बिटवीन एडजस्टेंट लेटर इन द सीरीज इज कॉन्स्टेंट, तो इसका आंसर क्या है, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए रीजनिंग का आरआरबी में कितना इंपॉर्टेंस है, आंसर है SPMJG। ठीक है, रिवर्स सीरीज का ये क्वेश्चन है, मतलब रिवर्स सीरीज भी पढ़ना है आरआरबी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्शन के अलावा क्या इसके अंदर और क्या हो सकते हैं, एक रिवर्स का आ गया, एक डायरेक्शन का आ गया रीजनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 words आर गिवन बिलो, 4 ऑफ देम आर सिमिलर, चूज द वर्ड विच इज द नॉट सिमिलर टू द रिमेनिंग वर्ड्स, एक वर्ड्स जो सेम नहीं है बाकी सब सिमिलर हैं, इंक है, पेपर है, पेंसिल है, पेन है, फिर शार्पनर है, तो आंसर क्या जाएगा, पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सन ऑफ सी एंड डी इज़ सीज़ फादर, डी किसका फादर है, सीज का, देन व्हाट इज ए और ए ऑफ डी, ए क्या है डी का, तो ये क्या है, इसका ग्रैंडसन है, ये क्या है, ब्लड रिलेशन का है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन में से है, मतलब कितने टॉपिक हो गए, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं आरआरबी के लिए रीजनिंग के लिए, एक ब्लड रिलेशन का करना है, एक रिवर्स सीरीज का क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ड्स वाले होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करना है, विच न्यूट्रिएंट इज नॉट फाउंड इन एग्स, एग्स में कौन सा न्यूट्रिएंट फाउंड नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, प्रोटीन एंड कैल्शियम, फैट एंड विटामिन डी या फिर प्रोटीन एंड आयरन, तो आंसर इज द ए, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, लॉस ऑफ मतलब डिप्रेशन का सिम्टम क्या नहीं है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़, ये तो होता है डिप्रेशन के पर्सन में। ठीक है, डेल्यूजन ऑफ द गिल्ट ये भी देखने को मिलता है और सुसाइडल आइडियाज़ भी आते हैं। ठीक है, लेकिन डेल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी नहीं होता, ये किस में देखने को मिलता है, मैनिया के पर्सन में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव पर्सन होता है। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जो अपने आप को सुपरमैन समझता है, वो क्या होता है, ये मैनिया में देखने को मिलता है ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द गोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ग्लूकोमा इज, देखिए ग्लूकोमा के मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है, ओनली टू इंक्रीज द एयर फ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, ओनली टू इंक्रीज द आउट फ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर या फिर ओनली
टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर या फिर ऑल ऑफ द, तो ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, मतलब एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाना है, इसका क्या है गोल ऑफ द मैनेजमेंट है। विच इज द बेस्ट टेस्ट फॉर द डिटेक्टिंग लीवर डिस्फंक्शन, लीवर डिस्फंक्शन के लिए कौन सा बेस्ट डिटेक्शन है, सीरम एल्ब्यूमिन है या फिर बिलीरुबिन है या फिर एसजीपीटी है या फिर प्रोथंबिंडाइन है, तो लीवर के डिस्फंक्शन के लिए सीरम बिलीरुबिन का लेवल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। देखिए इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म को देखना है, देखिए ए है, थ्री है, फिर बी है, फिर सी है, सेवन है, फिर डी है, फिर ई है, इलेवन है, एफ है, जी है, फिफ्टीन है, एच है। तो देखिए ए, ए के बाद में क्या आता है बी, सी के बाद में डी, ए बी सी, थ्री है, थ्री के बाद थ्री, थ्री में कितने प्लस हुए यहाँ सेवन तक आते आते, फोर प्लस हो गए। ठीक है, सेवन और इलेवन में कितने प्लस हुए, फोर प्लस हुए, फिर इलेवन और फिफ्टीन में कितने हुए, फोर प्लस हुए, तो फिफ्टीन में कितने प्लस करने हैं, फोर करने, नाइनटीन हो गए। और यहाँ पे क्या था, ए था, ए बी को छोड़कर सी आ गया, सी के बाद में डी को छोड़कर ई आ गया, ठीक है ई, फिर आ गया एफ को छोड़कर जी आ गया, जी के बाद में एच और आई, तो आई नाइनटीन, और उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे ई को छोड़ दिया एफ हो गया, फिर एच हो गया, फिर एच के बाद में आई और जे हो गया, एच आई और जी, आई को छोड़कर जी हो गया, तो आंसर क्या जाएगा डी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द लेटर सीरीज विच फॉलो द रूल नंबर ऑफ द लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजस्टेंट लेटर इन द सीरीज डबल्स एवरी टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखना है, नंबर ऑफ द लेटर स्किप्ड है इन बिटवीन द एडजस्टेंट लेटर इन सीरीज डबल, मतलब दो वर्ड के बीच में दो दो वर्ड क्या हैं वो हैं स्किप्ड हैं, तो देख लो बी और डी के बीच में क्या गायब हो गया, बी के बाद में सी गायब हो गया, डी है, डी के बाद में ई गायब हो गया, जी है, ई बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इसका आंसर क्या है बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1930 इज वेल नोन इन हिस्ट्री ऑफ द इंडिया बिकॉज दिस डेट इज एसोसिएटेड विथ, किससे रिलेटेड है 8 अप्रैल 1930, तो ये डांडी मार्च ऑफ द महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए ठीक है आंसर क्या जाएगा इसका ए, डांडी मार्च ऑफ द महात्मा गांधी। सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप एज द पेयर, एज द पेयर देखिए बर्ड्स और विंग्स में जिन जैसा रिलेशन है वैसा ही इनमें से अपने अपन को इन ऑप्शन में से चूज करना है। जैसे बर्ड्स के क्या होते हैं विंग्स होते हैं, तो इसमें क्या व्हील है, वाटर व्हील क्या है वाटर में रहती है। ठीक है, डॉग्स है, डॉग्स में लंग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कार है, कार के क्या होते हैं पहिए व्हील होते हैं पैरेट पेपर, तो इसका रिलेशन देखिए बर्ड्स के क्या होते हैं विंग्स होते हैं, उसी प्रकार कार के क्या होते हैं व्हील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द केमिकल फोर्सेस और बॉन्ड्स लिस्टेड बिलो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज, वैन डेर वॉल या डिपोल या फिर कोवेलेंट या फिर हाइड्रोफोबिक, तो आंसर जाएगा सी कोवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाल्व प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड इन टू द लेफ्ट एट्रियम, कौन सा वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। ठीक है, एओर्टिक वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व है या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व है, मिट्रल, तो आंसर क्या जाएगा मिट्रल वाल्व है। देखिए लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है मिट्रल वाल्व होता है। ठीक है, तो मिट्रल वाल्व जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन सराउंडेड द लंग्स, द मेम्ब्रेन्स सराउंडेड द लंग्स, लंग्स के चारों को जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है वो कौन सी है, पेरिकार्डियल है, मीडियास्टाइनल है या फिर पल्यूरा या फिर पेरिटोनियल, तो क्या आंसर क्या जाएगा पल्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाई द 33 द रिमाइंडर आर 21 और 28 रेस्पेक्टिवली इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाई 33 द रिमाइंडर विल बी द, देख ली ना इसका आंसर क्या है 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी ओडिमा और हार्ट फेल्योर, इन्फिल्ट्रेशन है, सर्कुलेटरी ओवरलोड है, इन्फेक्शन है, पायरोजेनिक रिएक्शन है, तो आंसर क्या जाएगा बी जाएगा। ठीक है, सर्कुलेटरी ओवरलोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द यूरिनरी एंड द जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड जेनाइटो यूरिनरी फिस्टूला,
ठीक है, जेनाइटो यूरिनरी फिस्टूला बिटवीन द कनेक्शन है यूरिनरी और जेनाइटल ट्रैक्ट के, तो क्या जेनाइटो यूरिनरी फिस्टूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द एंजाइना पेक्टोरिस है, कार्डियक डिजीज है। ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक डिजीज है। ठीक है, कार्डियक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइना पेक्टोरिस का मेन रीजन क्या, कार्डियक डिजीज है। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट ए रेस्पॉन्स नोन एज द फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट मतलब सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आंसर क्या जाएगा, द सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द मेटरनल मोरबिडिटी इन इंडिया, मेटरनल मोरबिडिटी इन इंडिया में क्या है, हेमरेज है। नेक्स्ट है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 11 है, 16 है, 23 है, फिर 32 है, फिर 43 है, आगे क्या आएगा, 56 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, देख लो सीरीज़ के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या, 885 है, 870 है, 855 है, 840 है, माइनस 15 हो रहे हैं इधर से, 840 से लेके इधर की इधर माइनस जा रहे हैं, माइनस 15 है, तो 840 से माइनस 15 825 आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, जो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेडिसिन आर यूज्ड फॉर इंटेस्टाइन इवैक्यूएशन, इंटेस्टाइन इवैक्यूएशन के लिए कौन सी मेडिसिन है, कैथार्टिक्स है, कैथार्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबोलिशन ऑफ सती बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन वाज एट द टाइम ऑफ, कब थी, लॉर्ड बेंटिंक के टाइम पे थी, लॉर्ड बेंटिंक के टाइम थी। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्यूलर वाल इज कॉल्ड, एल्यूलर वाल का डिस्ट्रक्शन होना इम्फाइसिमा कहलाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग लो बर्थ वेट मीन्स ए वेट ऑफ लेस देन 2.5 kg, WHO के अकॉर्डिंग वेट लॉस कितना होता है, कितने से कम को मानते हैं लो बर्थ वेट, 2.5 kg से कम को मानते हैं, और एवरेज इंडिया में एवरेज बर्थ कितना मानते हैं, 2.5 to 2.9 kg तक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट विच किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड, एन एजेंट है विच किल्स द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मानने वाले को क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, एसेप्सिस क्या, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है, बैक्टीरियो स्टेट क्या है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं, जबकि किल करते हैं वो डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशन एज द पेयर, स्पाइडर है वेब है, स्पाइडर और वेब का जितना जैसा रिलेशन है वैसा इनमें से एक चूज करना है, इंक है वो पेन है, पोर्ट है फिर पोटरी है, कॉक है फिर हेन है, फिर टीचर है फिर स्टूडेंट है, तो आंसर हो जाएगा बी, पोर्ट एंड पोटरी है। तो आज के 50 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, तो आगे के जो 50 क्वेश्चन और बचे हैं इस पेपर के, जो 2015 में सिकंदराबाद का था, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।